हर किसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। आरक्षण घोटाला कर दिया, बिल्कुल आरक्षण घोटाला, आरक्षण घोटाला। हमारे सामने कुछ दिव्यांग छात्र हैं, आपका विकलांग श्रेणी में नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस कहाँ से हैं? हम पटना 13 का स्टूडेंट है, बिहार पॉलिटेक्निक पटना 13 सबसे बिहार का टॉप कॉलेज है। उसमें जो है इसमें बीटीएससी आयोग क्या किया है कि विकलांग छात्र को अच्छा से सर्टिफिकेट नहीं जांच करके या उसका विकलांगता का जांच नहीं करके उसको विकलांग श्रेणी में रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके मुझे इसका खेद है कि इसको जांच करना चाहिए। अब बात ये है कि विकलांग श्रेणी में 40% विकलांगता को मतलब दिया जाता है कि कम से कम 40% आरक्षण पाने के लिए विकलांग होना चाहिए। मेरी आँख थोड़ा सा खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं विकलांग हूँ। सारे लोग को आधा सुधा आँख खराब है, इसका मतलब तो सब विकलांग नहीं है। विकलांगता के लिए 40% इसकी जांच आयोग को करके ना रिजल्ट देना चाहिए। अगर नहीं है, ऐसा आयोग नहीं करती है, तो मैं एक रफ कागज बनाया हूँ, मैं इसको फेयर करके मैं ये चार जगह इसका प्रतिलिपि क्या लिखे लिखे हैं इसमें कि इस तरह से मैं मतलब गैर कानून गैर तरीका से इसको दिव्यांग छात्रा को मैंने जो ओरिजिनल है उसको हटा करके बढ़िया से कागज नहीं जांच करके फर्जी लोगों को ले लिया गया है, उसकी जांच किया जाए। मैं इसकी चार प्रतिलिपि भेजूंगा, एक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय बिहार के राज्यपाल और तकनीकी सेवा आयोग के सचिव के पास भेजूंगा। मैं इसको फेयर करके भेजूंगा क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का पूर्णतः रूप से प्रूफ है कि विकलांग छात्र नहीं है, वो विकलांग नहीं है। मेरे साथ में देखे हैं उसको और उसको विकलांग में रिजल्ट है, इसका प्रूफ मैं उसके साथ प्रतिलिपि के साथ भेजूंगा। सर मांग है, सर मांग एक ही है, रिजल्ट को कैंसिल करके पुनः नोटिफिकेशन के नियमानुसार रिजल्ट जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। सर थोड़ा सा इधर भी ले लीजिए। सर क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ सर। कहाँ से आप? हम नालंदा जिला से हैं सर। अब मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी का जिला से है। जी सर, देखिए आपके साथ सर अन्याय। मेरा सर ये कहना है कि जो काउंसलिंग में जितना विकलांग को बुलाया गया बहुत सारा उसमें फर्जी है, डॉक्टर के द्वारा उसका अभी तक जांच नहीं हुआ है, अब फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। अब महोदय जितना सीट था उतना ही रिजल्ट दे दिया गया है। मान लेते हैं कल हो गया कुछ फर्जी निकलता भी है, लेकिन अगर हम लोग तो कोई बेटिंग तो दिया नहीं जा रहा है। फिर जो हम लोग सर जो रियल में विकलांग है सर वो तो ऑलरेडी कट गए छट गए सर। तो ये वाला सर जो मुद्दा हम लोग के लिए बिहार के जो सरकारी पॉलिटेक्निक से दिव्यांग है सर उन लोग के सर अन्याय हो रहा है सर। मेरी मांग यही है कि सब विकलांग का सर्टिफिकेट जांच हो, मेडिकल का टीम हो, डॉक्टर का जांच हो, तब उसको चयनित किया जाए सर। बड़ी बात है कि विकलांगों की बहाली में जो दिव्यांग है उनकी बहाली में तकनीकी आयोग के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, कोई सर्टिफिकेट जांच नहीं की गई है। और मुदखुआ बहाली जिसको मुदखुआ बहाली कहा जाता है, जिन लोगों ने पैसा खर्च किया उनकी बहाली हो गई। और मेरिट वाले खासकर बिहार सरकार से पॉलिटेक्निक किए हुए दिव्यांग छात्र हैं इनकी बहाली नहीं की गई है, और बाहर के जो यूपी के हैं बंगाल के हैं उनकी बहाली की गई है। सिर्फ फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं और ये बीएच है जो इनका विकलांगता विजिबल है, इनको भी छांट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्कैम है, घोटाला है। और जो तकनीकी सेवा आयोग के जो अफसर हैं वो इस घोटाले में डायरेक्ट रूप से शामिल हैं। एक और हमारे बीच में एक दिव्यांग हैं, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? गया जिला से आए हैं। गया जिला से आए हैं, क्या आपके साथ क्या हुआ है? मेरा रिजर्वेशन है जो 40% का बड़े से कटअप नहीं बनाया, 40% का कटअप और 60% का कटअप दोनों का सेम रखा गया है, दोनों का 50 बनाया गया। कहाँ से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं? हम पटना 13 से किए हुए हैं। पटना 13 से। सबसे बड़ी बात है कि पटना 13 से मतलब पटना जिला से पॉलिटेक्निक करने वाले बिहार के मेधावी छात्र हैं, इनको छांट दिया गया है और बाहरी छात्र को सही से नहीं लगाया, इनका कटअप सही से नहीं लगाया गया है। बाहरी लोगों को जो इस राज्य के रहने वाले भी नहीं है उनकी बहाली की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो अफसर हैं उन्होंने मुदेखुआ काम किया है, स्कैम किया है, पैसे का लेन देन किया है। कहने का मतलब 40% और 60% का कटअप एक रखा गया है, दोनों का डिफरेंट रखना चाहिए ना। मेरा सर जो पॉइंट है सर, मिनिमम कट ऑफ है सर, उससे सर मेरा ज्यादा है सर, 50.03 विकलांग का सर कट ऑफ है ओएच का, मेरा 50.46 है, फिर भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है सर। कट ऑफ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सर। क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांग है कि मेरिट लिस्ट फिर तैयार किया जाए
जिसमें कि 60% और 40% का सेफ से अलग अलग रिजल्ट बनाया जाए। अच्छा, तो सरकार ने 40 और 60 दोनों को मिक्स कर दिया है। बिल्कुल 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 अलग करना है। बिहार के लगभग सभी छोटे बड़े मंचों पर आरक्षण का ढोल पीटने वाले माननीय नीतीश कुमार के संरक्षण में यह बीटीएससी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। आरक्षण के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया गया, चाहे वो 60-40% आरक्षण का मामला हो या फिर दिव्यांग का मामला हो या फिर हमारे फीमेल कैंडिडेट का मामला हो, हर किसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। आरक्षण घोटाला कर दिया, बिल्कुल आरक्षण घोटाला, आरक्षण घोटाला, आरक्षण रोस्टर को लागू नहीं किया गया है। घोटाला, डिग्री घोटाला भी हुआ है। इससे पहले हम लोग रिजल्ट के लिए जब मांग करते थे, तो कहा था वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने जब यहाँ पे इतना हंगामा किया है, तो अभी तुरंत आयोग ने 115 विद्यार्थियों को जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको अयोग्य करार दिया। ये कौन सी बात है कि 200 लड़के को किया जा रहा है घोटाला है। इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, वो मिला। हमारी मांग है मेरिट को कैंसिल किया जाए। आयोग को ये रिजल्ट कैंसिल करना चाहिए और बिहार सरकार करना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को 40% सीट रिजर्व किया है, तो ये आयोग ने कहा कि जितना भी बिहार सरकार कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबको 40% में ही रख दिया है, जो कि जो कट ऑफ पार किए हैं 60% को उनको 60% में रखना चाहिए। ये आयोग ने गलती किया है, बड़ी बात है। आयोग से मेरा मांग है कि जितना भी मेरिट में सीट बनाना है कृपया सबको पारदर्शिता तरीके से उसको प्रकाशित करें, ताकि उसमें से छात्रों की मांग सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ सर, हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और छपरा जीपी छपरा से हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं। मेरा कुल समरी यही है सर कि इसमें डिग्री घोटाला भी हुआ है सर, आरक्षण घोटाला भी हुआ है, दिव्यांगता घोटाला भी हुआ है। कुल मिलाकर मैं यही कहना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयोग ने छोड़ा है, सारा का सारा घोटाला ही घोटाला इसमें हुआ है। बड़ी बात है, आयोग ने दिव्यांगों को नज़रअंदाज किया है, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास हुए छात्र उनको नज़रअंदाज किया है, आरक्षण रोस्टर को पालन नहीं किया है, तो आखिरकार आयोग ने किया क्या है? प्रश्न बनता है कि आयोग ने जब किसी भी नियमावली को माना नहीं है तो रिजल्ट निकालने का मतलब क्या है? बिहार के छात्र जो पॉलिटेक्निक पास करके आए हैं उनके लिए रिजर्व है ये जगह, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन बनाया गया था उसको भी पालन नहीं किया गया है, 40 और 60 का जो नियम बनाया गया था उसको भी पालन नहीं किया गया है और सबको मिक्स करके एक सामूहिक रिजल्ट बनाया गया है और बिहार से पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को छांट दिया गया है।